हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। मैं आपके लिए फिर से एक नए वीडियो लेके आ चुका हूँ गाइस, रेडमी के K50i 5G डिवाइस के बारे में। एंड इसके अपने टॉपिक को नाला गाइस कि अपने फ़ोन के ब्लूटूथ कनेक्शन एंड पेयरिंग प्रॉब्लम को गाइस कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो चलेगा, इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। एंड अपन चलते गाइस अपने फ़ोन की सेटिंग में और बात करते हैं टॉपिक के बारे में गाइस। तो गाइस मैं आपको ऐसी एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपने फ़ोन की गाइस ब्लूटूथ प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखिए अपने फ़ोन की सेटिंग को ऑन करना है। देन गाइस आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिल जाता है ब्लूटूथ का, आप इस पर गाइस क्लिक करते हैं। देन आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं नीचे में एडिशनल सेटिंग में अगर आप जाते हैं तो गाइस आपको यहाँ पे दो तीन ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर गाइस आपके फ़ोन में अगर फिर भी ब्लूटूथ का जो गाइस कनेक्शन पेयर नहीं कर रहा है गाइस, तो आप क्या करेंगे, फिर से बैक करेंगे अपने फ़ोन को। देन आपको नीचे में गाइस ऑप्शन मिलता है कनेक्शन एंड शेयरिंग का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो गाइस आपको नीचे में देखिए ऑप्शन मिलता है रिसेट वाईफाई मोबाइल डाटा का एंड ब्लूटूथ का। गाइस आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से देखिए अपने फ़ोन के ब्लूटूथ वाली सेटिंग को रिसेट कर लेना है। आप गाइस जैसे रिसेट सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पैटर्न या फिर गाइस आपने जो भी लगाया था पिन, आप उसको यहाँ से खोलने का ऑप्शन मिलता है। आप इसको ऐसे गाइस खोलेंगे तो आपके फ़ोन में गाइस ऑटोमेटिकली वाईफाई डाटा एंड ब्लूटूथ की सेटिंग रिसेट हो जाएगी। देन गाइस आपके फ़ोन में आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही थी ब्लूटूथ में गाइस बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो सिंपली गाइस आप इस ट्रिक की मदद से अपने फ़ोन के ब्लूटूथ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कनेक्शन एंड पेयरिंग वाली। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स साथ, तब तक ले बाय।